इम्पोर्ट पर कंपल्शंस जो हैं वो 1 अक्टूबर से, और वो भी ऑफकोर्स डोमेस्टिक पेपर कंपनियों को राहत देने के लिए, तो ऑफकोर्स पेपर स्टॉक्स जो हैं वो काफी हद तक फोकस क्योंकि में इनकी सिक्योर हैं. डोमेस्टिक डिमांड जो है वो हमारी इंडियन कंपनी भी पूरी कर पाएंगी, और बहुत कमी कंपनी है जिन्होंने लास्ट 2 साल में कैपेसिटी लगाई है अपनी और बढ़ाई है। जेके पेपर उनमें से एक है, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी, कोविड में सब घर में बैठे थे, पेपर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, कुछ कंपनी ने बढ़ा ली कैपेसिटी डाउन टाइम में, इसलिए वो बेनिफिट ले पाएंगी और यहाँ इंपोर्ट होना कम हो जाएगा। तो आप नंबर्स देखिएगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में, इनफैक्ट अभी भी अगर आप नंबर्स देखें तो ऑलरेडी आना शुरू हो गए कई अच्छा, एक एक का कंपनियों सारे फैक्टर्स पेपर के लिए अच्छे हैं, क्योंकि अभी अनलॉक थीम का कैंडिडेट है में। ये छोटा सा सेक्टर है, है, लेकिन एक एक जो न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आ रही है उसके चलते शायद इतना बिल्कुल छोटा होने के बावजूद सेक्टर में परफॉर्मेंस बहुत बेहतर अच्छी नजर आ परफॉर्मेंस आ रही है. जाएगी, ऑफ ये कोर्स, सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। गौरव, सीसीएल प्रोडक्ट्स, टाटा कॉफी जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि फोकस में हैं. कॉफी फ्यूचर्स में 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा तेजी यहां पर नजर आ रही है, और ऑफ कोर्स इस कैटेगरी को भी न्यूज़ बेस्ड इंपैक्ट के चलते तो काफी हद तक मिल ही रहा है इंटरेस्ट. आपको क्या लगता है ये स्टॉक्स पर आपका नजरिया? देखिए, ऊपरी लेवल्स पे ज्यादा प्रेशर्स में मिले। अगर हम बात की जाए टाटा कॉफी की, अगर पहले बात करें तो अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट आपको देखने मिली नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा जो ब्रेकआउट इसमें देखने मिला था 2017 के हाई के बाद में, उसको रिटेस्ट करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो 185 के लेवल अगर ये होल्ड कर लेता है तो एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टाटा कॉफी के अंदर। और ये एक बार जो स्टॉक है वो एक बार 220 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। वहां पे रिव्यू करना होगा कि वहां पे फिर और छोटे लेवल्स पे एक ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा। तो अगर कंपेयर किया जाए सीसीएल प्रोडक्ट्स और टाटा कॉफी के अंदर, तो मैं कहूँगा जो स्ट्रक्चर जो है वो टाटा कॉफी का अच्छा है, क्योंकि रिटेस्ट आपको देखने मिल रहा है। तो और टाटा सीसीएल प्रोडक्ट्स में देखा जाए 300 का सपोर्ट जरूर है, लेकिन वो उतना उसमें वाव फैक्टर फिलहाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी अगर आएगी तो टाटा कॉफी में आपको उसमें रिटर्न जो है अल्फा जनरेशन जो है वो ज़्यादा देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है. तो ये तो सीसीएल प्रोडक्ट्स पे एक बात रही, क्योंकि कॉफी फ्यूचर्स बहुत तेज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कॉफी प्राइसेस और कॉफी स्टॉक्स वहां सर्ज हो सकता है. और हमने देखा भी था, टाटा ग्लोबल में आपको मूव दिखने भी लग गया था. कुछ और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बेसिस पे देख लेते हैं ये स्टॉक्स कैसे आज रिएक्ट कर सकते हैं. कल एफएनओ में टॉप गेनर्स में टोरेंट फार्मा भी था. नंबर्स तो एक रीजन था ही, दूसरा रीजन जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई कि डॉक्टर रेड्डीज से 4 ब्रांड्स भी खरीदे हैं, जून तक डील पूरी होगी. टोरेंट फार्मा में अब क्या करना चाहिए यहाँ पर गौरव? एक अच्छा अपसेट हमको ऑलरेडी देखने मिल चुका है, और एक वॉल्यूम के साथ में जो स्टॉक है वो ऊपर गया है। अभी यहाँ पे जो क्रिटिकल लेवल्स हो जाएंगे वो होंगे 2925 के, इसके ऊपर अगर आवली क्लोज अगर आती है तो एक अपसाइड आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल का जो हडल है वो आपका ये लेवल्स पे आ रहा है। दूसरा जो इसका गैप के साथ में जो ये गिरा था 2022 के शुरुआती समय में, वो भी इसका जो लेवल है वो 2925-30 का है। तो ये अगर दो चीज़ें पॉजिटिव इसमें हो जाती हैं, आवली क्लोज अगर आ जाता है तो एक है गैप फिलिंग इसमें आपको देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 3080। तो यहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा, आवली क्लोज अबाउट 2925, उस एक बार वो देखने मिल जाए तो आप 2880 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं फॉर 3050-3080। क्लोजिंग ट्रेड में भी हमने ये कैरी ऑन पोजीशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी. हमारे एक्सपर्ट ने माना भी था कि